Assalamu alaikum guys, welcome to my channel Seema's Cooking and Baking. और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के सीख कबाब. आलू के सीख कबाब बनाने के लिए हम लेंगे पाव. ये मैंने लिए हैं 4 से 5 बड़े आलू. मैंने बॉईल करके मैश कर दिए थे. अब इसमें आप अपनी पसंद के जो है वो सब्जी डाल सकते हैं. मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है येलो वाली, इसको बारीक चॉप कर दिया है. गाजर, दो मिर्चें, ये तेज नहीं है बिल्कुल भी. एक बड़ी प्याज जो मैंने फाइनली चॉप कर ली थी. पुदीना, ये 1 teaspoon के करीब कुटी हुई मिर्च मैं डाल रही हूँ. अब जिंजर पाउडर इसके अंदर जाएगा. आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं. तो मैं 1/2 teaspoon के करीब जिंजर पाउडर इसके अंदर डालूंगी. गार्लिक पाउडर डालूंगी 1/2 teaspoon के करीब. इसके अंदर जाएगा भुना कुटा जीरा और साबुत धनिया. मैंने 2 teaspoon जीरा लिया था और 2 teaspoon के करीब मैंने साबुत धनिया लिया था. उसको भून के हमने इसको पीस लिया है, इसका पाउडर बनाया है. अब इसमें मैं डालूंगी हसबे जायका नमक. नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा. यहाँ पे मैं डालूंगी 1 teaspoon and 1/2 teaspoon. बाद में आपको कम लगे तो आप ऊपर से भी डाल के मिक्स कर सकते हैं. अभी जा रहा है गरम मसाला. 1/2 teaspoon के करीब मैं गरम मसाला इसके अंदर डाल रही हूँ. लाल मिर्चों का पाउडर, हमने पहले कुटी हुई मिर्चें डाली थी 1 teaspoon के करीब. अब हम डालेंगे 1/2 teaspoon के करीब लाल मिर्चें. ये भी अपने अपने जायके के हिसाब से रखनी है आप लोगों को. अब इसके अंदर जाएगा चाट का मसाला 2 teaspoon के करीब. ब्रेड क्रम्स जाएंगे इसके अंदर. मैंने 3 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे और उसको पीस लिया था, उसको क्रम्स बना लिया था. अब हम इसको मिक्स करेंगे. बहुत ही कोई आसान सी तरकीब है जो वेजिटेरियन लोगों के लिए, जो वेजिटेरियन लोग खा सकते हैं आराम से, और जो वेजिटेरियन नहीं भी हैं वो भी खा सकते हैं. अच्छा जी, ये मिक्सचर अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया है. आप नमक चेक कर लीजिएगा, मैंने नमक इसमें थोड़ा सा डाला है 1/2 teaspoon के करीब. अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है. अब हम इसके जो है कबाब बनाएंगे. आप चाहें तो फ्लैट कबाब भी बना सकते हैं, मगर मैं इसको सीख कबाब की तरह बनाऊंगी. यहाँ पे मैं फिंगर का इस्तेमाल करूंगी. लंबे लंबे जो है, इसमें अंडा नहीं है बिल्कुल भी. लगाते रहेंगे और रखते रहेंगे.
अच्छे तरीके से हम सारे बना के रखेंगे और इसमें आप अपनी तरफ से कोई सी भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, स्पेशली रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसको आप शैलो फ्राई करें ऑयल में, मेहमानों के सामने सर्व करें, खुद खाइए, बहुत मज़े के बनेंगे। अब हम ऑयल डालेंगे फ्राई पैन में और इसको फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करना है। देखते रहिएगा ये ज्यादा गर्म ना हो, ऑयल को इतना गर्म नहीं करना है कि कबाब जल जाए। हल्के हाथों से जो अपने कबाब बनाए थे उसको आप उठाएं और आप चाहे से बिल्कुल डालना शुरू करें। थोड़ा सा दूर दूर रखिए ना, करीब रखेंगे तो फिर ये है कि पलटने में थोड़ी मुश्किल होगी। थोड़ा सा दूर रखिएगा। अभी मैंने चार कबाब डाले, इन्हें को फ्राई करते हैं। इस स्टेज पे इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने, ये फ्राई हो रहा है इस तरीके से लगेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको फ्लिप करेंगे। पोजीशन को देखना बहुत जरूरी है। ये देखिए सबको ये फ्लिप हो चुके हैं, ज़्यादा जो है हाथ में बताइएगा वरना बिखर जाएंगे। जब ये थोड़े हो जाए तो उसको फिर दूसरी साइड पे कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हमारा जो साइड है आप देख सकते हैं वो थोड़ा सा अभी वो अब फ्राई नहीं हुआ है, क्रिस्पी नहीं है, तो आप इसकी पोजीशन चेंज करते रहिएगा और इसको फ्राई करते रहेगा। देखिए जी कितने ज़बरदस्त से वेजिटेरियन कबाब, सीख कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। मैं इनको सर्व करूँगी रायते के साथ। ये पुदीने का रायता है जो मैंने बनाया था, इसके साथ मैं सर्व करूँगी। मैंने तोड़े हैं अभी कबाब, ये देखिए कितने क्रिस्पी है। गरम गरम सर्व करेंगे मेहमानों के सामने, घर वालों के सामने, तो बहुत अच्छा लगेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो।